देश के कई भाजपा शासित राज्यों में अपराधियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर कार्यवाही की गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि वो इस संस्कृति में समर्थन में नहीं है। सीएम ने कहा है कि वो कभी भी बुलडोजर कार्यवाही के पक्षधर नहीं रहे हैं, उन्होंने हमेशा से इसे रोकने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सशस्त्र में ये बात कही जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए इसे गलत ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 1 अक्टूबर 2024 तक बिना कोर्ट की अनुमति के किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, हालांकि जिसमें सार्वजनिक स्थल और रेलवे ट्रैक शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से कई बार बुलडोजर कार्यवाही देखी गई है। 2023 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बनने के बाद से ही आरोपियों के घरों और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की कई घटनाएं हुई है। एक घटना में बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ काटने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर के ध्वस्त किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमेशा से इस प्रकार की कार्यवाही पर विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि अवैध रूप से संपत्तियों को ध्वस्त करना संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि विशेष धर्म के संबंधित आरोपियों को संपत्तियों के निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बयान में देश भर में एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे सरकार की कार्यप्रणाली का सवाल उठाते देख रहे हैं, वही कुछ इसे संतुलित और न्यायप्रिय कदम मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश में भी बुलडोजर कार्यवाही पर पूर्ण तक रोक लग पाएगी।